दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था सम प्रोडक्ट एक्सेल में किस तरह से यूज़ किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल में किस तरह से स्टूडेंट की मार्कशीट बना सकते हैं, किस तरह से परसेंटेज के लिए फॉर्मूला सेट करेंगे, डिवीज़न के लिए इफ़ कंडीशन को किस तरह से लगाएंगे और विशेष योग्यता यानी डिस्टिंक्शन मार्क्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मार्कशीट बनाने के लिए मैंने एक कॉलम सब्जेक्ट का बनाया है, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, टोटल मार्क्स, डिस्टिंक्शन मार्क्स, ग्रांड टोटल, परसेंटेज और डिवीज़न को यहाँ एक्सेल में डिज़ाइन कर लिया है। अब हमें ये मानकर चलना है कि फर्स्ट पेपर जो है वो आउट ऑफ 50 यानी 50 नंबर का मेरा फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर भी आउट ऑफ 50, सेकंड पेपर भी 50 नंबर का है। इस तरह से फर्स्ट पेपर का टोटल मार्क्स जो हैं वो है 100। आपको 100 में इसकी कैलकुलेशन करनी है। आप यहाँ टोटल मार्क्स हिंदी के निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए। दूसरा मेथड ये होगा दोस्तों, आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसे टोटल कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से अल्ट की प्रेस कीजिए और इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए, ऑटो सम डायरेक्टली आपको यहाँ दिखाई देगा। बस आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दीजिए, देन आपको यहाँ पर इसे ड्रैग करना है या डबल क्लिक करना है। सारे पेपर्स की सम आपके सामने हैं। अब ग्रांड टोटल, वही तरीका, अल्ट इक्वल और एंटर। देखिए तुरंत आपका काम हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए, इक्वल टू प्राप्तांक यानी मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स यानी प्राप्तांक अपॉन कुल अंक। 500 फाइव सब्जेक्ट हैं इसलिए 500 यूज़ कर रहा हूँ मैं, देन इनटू 100 और एंटर। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। आप चाहते हैं कि इसके साथ परसेंटेज का साइन भी आ जाए तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला इस तरह से यूज़ करना है। आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पर नंबर फॉर्मेट आ रहा है, उसमें जनरल लिखा हुआ है, उस जनरल के नीचे एक परसेंटेज का साइन है, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए और यूज़ कीजिए इक्वल टू प्राप्तांक यानी मार्क्स ऑब्टेन अपॉन टोटल मार्क्स देन एंटर। परसेंटेज अपने आप आपके सामने साइन यहाँ आ गया है। अब आप यहाँ चाहते हैं कि आपका जो परसेंटेज है वो डेसिमल में शो होना चाहिए, पॉइंट्स उसके साथ आने चाहिए, तो आप इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल बटन का यूज़ करते हुए यहाँ पॉइंट्स को भी शो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिवीज़न के लिए। डिवीज़न निकालने के लिए आपको इफ़ कंडीशन यूज़ करनी है। वो किस तरह से करनी है, इक्वल टू इफ़ यानी यदि, ब्रैकेट स्टार्ट, इफ़ परसेंटेज, तो परसेंटेज जहां आपने कैलकुलेट किया है वहां क्लिक करना है, यहां नहीं, परसेंटेज पर क्लिक कर दीजिए। इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन छोटा कोमा, यानी आप अपने आप इसको बोलते जाइए, यदि परसेंटेज 60 से ज़्यादा या 60 के बराबर हो तो, जहाँ जहाँ आप तो बोलेंगे तो आपको छोटा कोमा लगाना है। तो क्या होना चाहिए वो आपको इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। मैं चाहता हूँ यहाँ फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ आ जाए तो इन्वर्टेड कोमास प्रेस कीजिए और फर्स्ट डिवीजन को इन्वर्टेड कोमास में लिख दीजिए। नहीं तो, तो आया फिर से तो आपको छोटा कोमा लगाना है। नहीं तो यदि, यदि का मतलब इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि परसेंटेज, तो परसेंटेज पर फिर से क्लिक कर दीजिए, यदि परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 48 हो तो छोटा कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट। क्या होना चाहिए उसे हमको इन्वर्टेड कोमास में लिखना है। सेकंड डिवीज़न ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमास क्लोज देन छोटा कोमा, नहीं तो, तो के लिए छोटा कोमा, यदि इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, इफ़ परसेंटेज, तो परसेंटेज पर क्लिक कीजिए, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 36 हो तो का मतलब छोटा कोमा। क्या होना चाहिए, थर्ड डिवीज़न, तो थर्ड डिवीज़न यहाँ लिखा हुआ आ जाए, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, नहीं तो, नहीं तो। अब क्या होना चाहिए, यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक फेल लिखा हुआ आना चाहिए। इसके लिए आपको कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इन्वर्टेड कोमास में आप फेल यूज़ कीजिए, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब हमारे इस पूरे फॉर्मूले में, पूरी कंडीशन में तीन ब्रैकेट यूज़ किए हैं हमने, फर्स्ट, सेकेंड देन थर्ड, इसलिए लास्ट में आप तीन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, शिफ्ट के साथ तीन ब्रैकेट क्लोज करने हैं आपको,
1, 2, then 3। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ इस फॉर्मूले के एंड में आकर एंटर प्रेस करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। आप इस फॉर्मूले को फिर से देखना चाहें तो आप FX फॉर्मूला बार में से भी देख सकते हैं, या इस सेल में आकर F2 प्रेस करें और आप अपने फॉर्मूले को एडिट भी कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, इक्वल टू इफ, यदि परसेंटेज पर मैंने क्लिक किया था इसलिए मेरा E14 लिखा हुआ आ रहा है, आपके हो सकता अलग आए। तो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो छोटा कोमा, तो का मतलब है छोटा कोमा, तो फर्स्ट डिवीजन। इसी तरह से यदि इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 48, तो सेकंड डिवीजन। इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 36, तो थर्ड डिवीजन, और नहीं तो फेल। दोस्तों इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले मैंने मेरा जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला था, जो मैं सिंपल यहाँ से परसेंटेज देकर आया था, उसकी जगह सिंपल परसेंटेज मैंने कैलकुलेट किया है, उसके बाद मैंने अपना रिजल्ट निकाला है। अब फर्स्ट डिवीजन के बाद आप अपनी मार्कशीट में नंबर्स को चेंज करके देख लीजिएगा कि सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। जैसे मैं यहाँ नंबर चेंज कर रहा हूँ 1, तो यहाँ देखिए 51, और यहाँ चेंज हुआ तो हमारा टोटल ग्रांड टोटल चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज हुआ, और यहाँ रिजल्ट भी चेंज हो रहा है। इस तरह से मैं यहाँ पर 0 कर रहा हूँ 48, सेकेंड डिवीज़न 0, थर्ड डिवीज़न 0, फेल। यानी हमारी सारी कंडीशन, हमारा जो फॉर्मूला था वो एक्यूरेट हमने लगाया है और हमारे रिजल्ट भी एकदम एक्यूरेट आ रहा है। अब हम चाहते हैं डिस्ट्रिक्शन मार्क्स, जिस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स सब्जेक्ट वाइज 75 से ज़्यादा या 75 के इक्वल हो, उनके आगे यहाँ पर D लिखा हुआ आना चाहिए। तो हम वही कंडीशन पुट करेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट मार्क्स, इसलिए मार्क्स पर क्लिक कर दीजिए, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75, तो क्या होना चाहिए, D लिखा हुआ आना चाहिए। तो इनवर्टेड कॉमास स्टार्ट कीजिए और D लिख दीजिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, तो ना हो तो ऐसी कंडीशन में आपको इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है और इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देना, यानी ब्लैंक होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। देन आप एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने। अब आप अपने रिजल्ट को इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि जिन स्टूडेंट्स के 60, 50, 53 या 40 हैं, वहाँ कहीं D आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पर जैसे ही मैं मार्क्स चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं 45 डालता हूँ, तो आप देखिए यहाँ D इंसर्ट हो गया है। तो जहाँ जहाँ जिस स्टूडेंट के मार्क्स 75 से ज़्यादा या 35 के इक्वल होंगे, वहाँ D शो करेगा, और जहाँ नहीं होंगे वहाँ शो नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पर फिर से 15 लिख देता हूँ, देखिए D फिर से गायब हो गया। तो ये फार्मूला है विशेष योग्यता या डिस्ट्रिक्शन मार्क्स निकालने का। दोस्तों अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।